हेलो यूट्यूब, जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियसली यू सीन दैट आई वॉज गेटिंग 7.5 kbps, 7 kbps की स्पीड मुझे मिल रही थी। अभी भी देख सकते हैं आप 14 kb, 14 9.87 kbps। लेकिन मैं इतनी स्पीड में खुश रहने वाला तो हूँ नहीं। तो अगर आपको भी जियो से ऐसी स्पीड मिल रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आप बताऊँगा कि कैसे आप जियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ जियो 4G। स्टे ट्यून, आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को यहाँ पे जाके, और आगे देखिए कैसे मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया है। 720 kbps के राउंड की स्पीड से कैसे मैंने बढ़ाया। अब से कुछ देर पहले हमें 20 kbps की स्पीड मिल रही थी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये स्पीड कितनी है। देख पा रहे होंगे आप, ये 1.39, लगभग 2 mbps की स्पीड, जो पहले 20 kbps थी वो अब 2 mbps हो गई है। मैं बताऊंगा कैसे, बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इतनी बात तो तय हो चुकी है कि अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये 20 kbps से 2 mbps कैसे हो गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं बताने को। तो अब चलिए शुरू कर देते हैं। शुरू करें? नहीं, पहले लाइक कर दो यार वीडियो को, और लाइक नहीं तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ एक मोर का ऑप्शन होगा, मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद APN एक्सेस पॉइंट नेम्स इसे कहते हैं, इस पर जाइए। ये जियो नेट पहले से ही होगा, अगर नहीं है तो आप अपनी वो सिम सेलेक्ट करें जिस पे आप APN, जैसे ये मैंने जियो 4G पे सेलेक्ट कर रखा है। एक्सेस पॉइंट नेम पे जाइए, इस APN पे क्लिक कीजिए। इसमें अब आपको कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस क्या करना है, ये ऊपर वाला सब सेम रहने देंगे। नीचे करिए इसे, यहाँ सर्वर, सर्वर में आपको डालना है HTTP। HTTP मत डालिएगा, www.fresh। ध्यान से इसको, बहुत ध्यान से डालना है, FRESVEGE.com। ओके, इसको ओके कर दिया। ये हमारा पहला चीज़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाइए, APN टाइप, APN प्रोटोकॉल, APN प्रोटोकॉल पे क्लिक कीजिए, और इसे IPv6 से यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोनों पे। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे आइए और इसको नीचे क्लिक कीजिए। अब बारी आती है बियरर की। बियरर में पहले से अनस्पेसिफाइड या ऐसा ही कुछ लिखा होगा, तो उसे आप LTE सेलेक्ट कीजिए। सॉरी, LTE सेलेक्ट करना है हमें। अब यहाँ पे LTE आ गया। अब बस आप इस सेटिंग्स को यहाँ पे ऊपर वाले कॉर्नर पे टच करके सेव कर दें। अब अगर आप नेट ऑन करेंगे तो आपकी स्पीड वही आएगी जो अभी आपने देखा, 2 mbps, 20 kbps से 2 mbps। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही आपकी, मतलब आपने, आपकी सेटिंग्स पहले से भी ऐसी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद पहले से ही आपका जो APN प्रोटोटाइप है ये सब APV6 ये हो, ऐसे ये पहले से भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, अब इसके लिए दूसरा तरीका है। अगर आपका ये तरीका काम नहीं कर पा रहा, इसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो दूसरा तरीका भी है। वीडियो को वॉच कीजिए, और अगर अब तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अब दूसरा तरीका शुरू करते हैं। अब बारी आती है सेकेंड तरीके की, दूसरे तरीके की, जिससे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। सेकेंड मेथड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ जियो 4G। तो सबसे पहले गो टू प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पे स्नैप VPN टाइप कीजिए, और ये वाला ऐप सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे पहले जो है, इसको डाउनलोड करने से पहले स्पीड कितनी आ रही है। ये लगभग 25 kb, 70 kbps की स्पीड इसको इससे पहले आ रही है। इसको पॉज करके अब देखते हैं इसके स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा। इसे पूरी तरह इंस्टॉल हो जाने दीजिए, सब्र तो करना ही पड़ता है हर चीज़ में, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। वेट एंड वॉच। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, अगर पैसे लगते हो तो मत करना,
लेकिन अगर नहीं लगते हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, ये पूरा देखते जाओ आप कैसे होता है कनेक्ट। इसको ओपन किया वो अपने आप ही कनेक्शन लेने लगता है और अब ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी डाउनलोडिंग स्पीड हम चेक करते हैं, इस वीपीएन के एक्टिव होने के बाद इसकी डाउनलोडिंग स्पीड चेक करते हैं। यार ये तो बार बार ही पॉज ही हो जा रहा है ना मेरे से, दिक्कत तो यहाँ आ रही है। स्नैप वीपीएन कहाँ गया ये? ये देखिए पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरे तरीके से एक्टिव है ये। अब स्पीड इंक्रीज करने की बारी आई, ये एक्टिव हो चुका है। तो अब देखिए वही स्पीड जो पहले 80 kbps आ रही थी, वो अभी हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं 229 kbps। इतने इंक्रीजमेंट ये आपकी स्पीड में 526 kbps इतने हद तक की इंक्रीजमेंट ला सकता है, देख सकते हैं आप 640 705। ये था दूसरा तरीका। तरीके यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं, तरीके बहुत हैं। जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम 40 kbps से, कैसे हमने 40 kbps से फिर से हमने लगभग कह सकते हैं 700 kbps की रफ़्तार हमने तय कर ली दूसरे तरीके से। अभी भी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। तीसरा मेथड मैं जब भी बताऊंगा, जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और 2 दिन बाद मैं तीसरा मेथड लाऊंगा, आप उसे प्लीज़ देखिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी। तीसरा मेथड मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, बहुत सी बातें उसमें, बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी बातें जिसे कह सकते हैं। और अगर आप कुछ और 10 के नकली सिक्के और असली सिक्के की पहचान देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे एनोटेशन बना रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ क्लिक किए और यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले मुझे किस तरीके से सताया जियो 4G वालों ने, मैं खुद बहुत रोया हूँ जियो 4G लेके, और आप देखेंगे इसमें कि मुझे वो कितनी स्पीड देते थे और आज मैं कितनी स्पीड ब्राउज़ कर पा रहा हूँ। दोस्तों ये चैनल बिल्कुल नया है, आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो सिर्फ 12 सब्सक्राइबर हैं और मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप इसे 300-400 तक पहुँचा दें। जैसे ही ये 300-400 पहुँच जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, एवरी वोट काउंट्स, हर एक वोट को गिना जाता है, ईच एंड एवरी वोट काउंट्स। जस्ट सब्सक्राइब, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही इसका जो नंबर है 12 से ऊपर हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। थैंक यू, स्टे अपडेटेड। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, आप जितनी चीज़ें पूछोगे ना सबके आंसर मैं दे दूँगा। आप मेरे से कमेंट में पूछिए, आपका जो भी क्वेश्चन हो जिस फील्ड से रिलेटेड, बस क्रिकेट और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ना चाहता। बाद बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी टेक्निकल इशू हो, आपको यूट्यूब से पैसा कमाना हो, कुछ भी ऑनलाइन पैसा कमाना हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।